देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और सिवान जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सिवान के राजेंद्र उद्यान में जिलाधिकारी सुश्री रंजिता और सिवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के साथ कई अधिकारियों ने देश रत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसके बाद जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस पर सिवान वासियों को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं, बधाई देना चाहती हूं। और सिवान वासी विकास की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए उनको शुभकामना देती हूं और जिला प्रशासन इसके लिए सदैव प्रयासरत रहे। जयंती के मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम आज के दिन है? पहले हम उनके आवास जाएंगे यहाँ से और वहाँ माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद गांधी मैदान में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम रखा गया है, वो चलेगा आज हृदय में है। उसके अलावा जो जिला प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान में जो कार्यक्रम है वो 11 बजे से प्रारंभ होगा और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो आए, कार्यक्रम का आनंद लें। वही इस जयंती के अवसर पर सिवान नगर परिषद के सभापति सिंधु सिंह, जिला परिषद के अध्यक्षा संगीता जादव के साथ कई नगर पार्षदों ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का भी लोगों से आग्रह किया। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। मैं इस जयंती समारोह मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भारत देश में ही नहीं इतिहास के पन्नों में भी अंकित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म एक जीरादेई नामक स्थान, सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया था। मैं इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म पर मैं तहे दिल से उनका नमन करते हुए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पे मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे जो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से आते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, सिवान के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा राष्ट्रपति सिवान जिला दिए हैं जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश का है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में उन्होंने देश का कार्यभार संभाला, उनके रिजर्व में देश ने बहुत ही तरक्की की, बहुत ही विकास किया। और हम सब जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है जीरादेई, उसको हम एक पर्यटक स्थल बनाएंगे लोग, और राज्य सरकार से मांग भी हुआ है और बहुत जल्द ही एक वो पर्यटक स्थल बनकर तैयार होगा जिसमें देश विदेश के सभी जगहों के लोग वहाँ पे आएंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और जो जो वो कार्य उनके माध्यम से किया गया वो सारे वहाँ पे दर्शाया जाएगा। फिर से मैं एक बार फिर पूरे भारतवासियों को डॉक्टर राजेंद्र